आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नियॉन टेक्स्ट की। नियॉन टेक्स्ट होता क्या है एक्चुअल में? ये एक टेक्स्ट ऐसा होता है जिसके चारों तरफ लाइटिंग होता है, आपको लाइट जलता हुआ दिखेगा। तो ये टेक्स्ट हम कैसे बनाएंगे? इस टेक्स्ट को बनाने के लिए हम आज एक नियॉन साइकिल बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि ये टेक्स्ट कैसे आप बना सकते हैं और कैसे इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप यहां से थ्री डॉट पे चले जाएंगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहां से आप इमेज साइज सेलेक्ट करेंगे। इमेज साइज सेलेक्ट करने के बाद आप इसे चेंज करके YouTube थंबनेल वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप ओके वाले बटन पे प्रेस कर देंगे। इतना होने के बाद ये आपके फुल स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ से हमें टेक्स्ट लिखना है। हमें लिखना है कोई भी टेक्स्ट, हम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ नियॉन टेक्स्ट। नियॉन टेक्स्ट लिखने के बाद आप सिंपली ओके वाले बटन को प्रेस कर देंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद अब आपको इसके फॉन्ट्स को चेंज करना है। आप किसी भी फॉन्ट को ले सकते हैं। फॉन्ट में जाने के लिए आप नीचे से ये दूसरे नंबर पे आप जाएंगे जो कैपिटल ए लिखा हुआ है। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे और आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कोई भी फॉन्ट को ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा फॉन्ट है, माई फॉन्ट से जाके आप उसे भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एक फॉन्ट ले लेते हैं और ओके पे सेलेक्ट करते हैं। इतना होने के बाद आप इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कुछ बढ़ा देता हूँ, इतना, जैसे मैं 109 पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद थोड़ा इसे कुछ इस तरीके से करके ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन पे जाने के बाद इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दें जिससे ये सेंटर में आ जाए। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन में। यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाना है और आपको कलर वाले में यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं मिलेगा तो आप इस प्लस वाले आइकन पे जाके अपना उस टेक्स्ट के कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट करने के बाद ओके वाले बटन पे प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको चले जाना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन में। नीचे स्लाइड करते हुए यहाँ पे हमें स्ट्रोक मिल चुका है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपके इस स्ट्रोक्स का कलर जो है वह है ब्लैक। आपको कर देना है सिंपली इसे वाइट। स्लाइड करते हुए यहाँ से हम वाइट कर देते हैं। इसके स्ट्रोक्स के विड्थ को हम एडजस्ट कर देते हैं और 7 पर करके छोड़ देते हैं और यहाँ से हम टिक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। आपका स्ट्रोक सेट हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है शैडो वाले ऑप्शन में। स्लाइड करते हुए देखिए यहाँ पे शैडो का ऑप्शन मिल जाता है। शैडो वाले ऑप्शन में जाके आप इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से आप इसे जो भी कलर देना चाहते हैं, पर्पल कलर मैं ले रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेडियस ब्लर इसका मैं 60 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटर ग्लो, इसे आपको इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आप चाहे तो इसे इनेबल कर दीजिए और चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट बदल भी सकते हैं। यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली टिक वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद अब आपको चले जाना है इस प्लस वाले आइकन पे और टेक्स्ट यहाँ पे एक लेना है। टेक्स्ट आपको लेने के बाद यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ से हटा देना है और एक स्मॉल टी लिख देना है। उसके बाद डन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, ओके वाले बटन को प्रेस कर देंगे। तो चले जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन में। फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको ये फॉन्ट एक बाइसिकल का मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक साइकिल का फॉन्ट मिल चुका है। और अगर आपको ये फॉन्ट चाहिए, मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको इस फॉन्ट के लिए भी वीडियो बनाकर दे देंगे। आप सिंपली वहाँ से अपने पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस साइकिल जो है इसके फॉन्ट को ऐड करने के बाद अब इसे क्या करना है, तो इसको भी सेम प्रोसेस करना है। आपको चले जाना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाना है और ट्रांसपेरेंट कर देना है। इसके बाद ओके पे डन करना है। फिर स्ट्रोक्स वाले ऑप्शन में आपको जाना है। स्ट्रोक्स वाले ऑप्शन को में जाने के बाद आपको इसे इनेबल करना है और कलर कर देना है वाइट बस। और ये विड्थ 4 ही रहने देना है। इसके बाद ऊपर टिक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको चले जाना है शैडो वाले ऑप्शन में। शैडो वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसे कर देना है इनेबल।
इनेबल करने के बाद और कलर आपको चेंज कर देना है। अब इस बार मैं कोई कलर ये पिंक ले लेता हूँ, और यहाँ से नीचे जाने के बाद इसे आउटर ग्लो जो है इसे इनेबल कर देंगे, और कर देने के बाद यहाँ से टिक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये हमारा नियॉन टेक्स्ट हो चुका है। अब इसके बाद इसके बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर देंगे। कलर आप चाहे तो कलर चेंज कर दीजिए, चाहे तो आप कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ इसका, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। तो यही है आपका दोस्तों नियॉन टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।